सनसनी ऑफ इंडिया। तुगलकाबाद के जंगलों में एक नाबालिग लड़की के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को साउथ ईस्ट की AATS स्पेशल स्टाफ व गोविंदपुरी थाने की जॉइंट टीम ने टेक्निकल सर्विलांस व क्राइम सीन से 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में लगे 100 से अधिक CCTV कैमरों को खंगाल कर सुलझा दिया है। आरोपी कोई और नहीं मृतक नाबालिग लड़की का प्रेमी और उसका दोस्त निकला। मृतक लड़की अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए बांदा यूपी से भागकर दिल्ली आई थी, लेकिन आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका की हत्या महज इसलिए कर दी कि उसे अपनी प्रेमिका को रखने के लिए दिल्ली में जगह व ठिकाना नहीं मिला। इज्जत की खातिर लड़की भी अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। आरोपियों की पहचान लड़की का प्रेमी 26 वर्षीय नीरज व 22 वर्षीय सुशील के रूप में हुई है। दोनों आरोपी बांदा यूपी के रहने वाले हैं और दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में ट्रक ड्राइवर की नौकरी कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से लड़की की लाश को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल की गई टाटा एस और एक कैंटर गाड़ी बरामद की है। दिनांक 4 सितंबर की दोपहर ESI हॉस्पिटल ओखला के सामने वाले रोड पर बंदरों के लिए केले बेचने वाला शिव दास चौहान नामक फल विक्रेता लघुशंका के लिए तुगलकाबाद जैव विविधता जंगल में गया तो उसने एक लड़की का शव पड़ा देखा। इसके बाद उसने पुलिस को PCR कॉल कर सूचना दी। सर क्या नाम है आपका? 4 सितंबर को आप सुबह कितने बजे आपने यहाँ पे लगाई थी? 4 सितंबर को 6:30 बजे। तो क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मैं बाथरूम करने गया था। कितने बजे गए थे बाथरूम करने? 2:30 बजे। क्या देखा था आपने वहाँ पे? लाश पड़ी थी लड़की को, मैंने देखा, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, थोड़ी देर में पुलिस आ गई थी। किस जगह पड़ी थी? आप जगह दिखा दो क्या? दिखाई थोड़ा देखा। नीचे यहाँ पर? यहाँ भी पड़ी थी। इसके नीचे? इसके नीचे? इसके नीचे पड़ी हुई थी। क्या क्या पहन, क्या पहन रखा था लड़की ने? जींस टॉप पहन रखी थी। जींस टॉप पहन रखी थी। यहाँ नीचे ये बता रहे हैं, नीचे यहाँ बता रहे हैं, इसके अंदर पड़ी हुई थी। बोरी में ढकी हुई थी क्या? खुली पड़ी हुई थी। खुली हुई थी, खुली पड़ी हुई थी। चेहरा नहीं दिख रहा था लड़की का और सारा बॉडी दिख रहा था। क्राइम सीन थाना गोविंदपुरी क्षेत्र में पड़ता था, इसलिए सूचना मिलते ही गोविंदपुरी थानाध्यक्ष जगदीश यादव टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर करीब 13-14 साल की एक लड़की का शव बरामद किया। बारीकी से देखने पर मृतक के गले पर गला घोटने के निशान मौजूद मिले। थाना गोविंदपुरी में FIR संख्या 527/2023 व धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गयी। दक्षिण पूर्व जिले के DCP राजेश देव ने वारदात को बड़ी गंभीरता से लिया और ब्लाइंड मर्डर केस के आरोपियों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए प्रदीप कुमार ACP कालकाजी की सुपरविजन व जगदीश यादव SHO थाना गोविंदपुरी, इंस्पेक्टर राजेंद्र डागर AATS व इंस्पेक्टर दिनेश मोरल स्पेशल स्टाफ के नेतृत्व में एक क्रेक टीम का गठन किया। क्राइम सीन के आसपास इन्वेस्टिगेशन टीम को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे आरोपियों तक पहुंचा जा सके। जांच को आगे बढ़ाने के लिए टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती शव की पहचान करना था। इसके लिए एक टीम को जिपनेट के साथ साथ आसपास के पुलिस स्टेशनों व कॉलोनियों में फोटो भेजकर मृतक लड़की की पहचान तय करने का काम सौंपा गया। टीम के कुछ सदस्य मृतक लड़की का फोटो लेकर गली मोहल्ले व कॉलोनियों में घूमे, लेकिन शायद लड़की को कोई नहीं जानता था। मुखबिरों को भी एक टिप किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। टीम अंधेरे में थी। अभी तक की जांच से जगदीश यादव SHO थाना गोविंदपुरी ने एक बात का तो अंदाजा लगा लिया था कि लड़की आसपास की नहीं है, एकदम ब्लाइंड मर्डर केस था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे इन्वेस्टिगेशन टीम पर मीडिया और अफसरों का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक टीम टेक्निकल सर्विलांस की मदद से क्राइम सीन के आसपास का मोबाइल डंप डाटा स्कैन करने में लगी हुई थी, लेकिन घटना का सही समय पता न होने की वजह से हजारों नंबरों में से सस्पेक्ट मोबाइल नंबर खोजना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर भी टीम लगी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चला कि लड़की की हत्या 4 सितंबर की सुबह 3 से 4 बजे के बीच गला दबाकर की गई है। फोरेंसिक टीम की जांच से भी पता चला कि लड़की की हत्या कहीं और की गई थी। लड़की को मारने के बाद क्राइम सीन पर शव को ठिकाने लगाने की नियत से फेंका गया था। क्राइम सीन से थोड़ा पहले बंदरों के लिए केले बेचने वाला दुकानदार सुबह 6 बजे अपनी दुकान लगा लेता है। हर रोज की तरह 4 सितंबर को भी उसने सुबह 6 बजे केले की दुकान लगा ली थी। पोस्टमार्टम व फोरेंसिक रिपोर्ट और केले बेचने वाले के बयान से जगदीश यादव SHO थाना गोविंदपुरी को समझते देर नहीं लगी कि लड़की की हत्या करने के बाद 3 से 6 बजे के बीच क्राइम सीन पर शव को डंप किया गया है।
अब तक की जांच से जगदीश यादव SHO थाना गोविंदपुरी को पूरा विश्वास हो चला था कि शव को ठिकाने लगाने के लिए क्राइम सीन तक आरोपी किसी न किसी वाहन से जरूर आए हैं। सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच क्राइम सीन तक आने और जाने वाली गाड़ी का पता करने के लिए एक टीम पुल प्रहलादपुर और दूसरी टीम तुगलकाबाद की ओर से ओखला जाने वाले महानंदमयी मार्ग पर पड़ने वाली सभी रेड लाइटों पर लगे CCTV फुटेज व तीसरी टीम क्राइम सीन से वापस पुल प्रहलादपुर और तुगलकाबाद जाने वाले रूट पर लगे CCTV फुटेज खंगालने लगी। लगभग 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में लगे 100 से भी ज्यादा CCTV फुटेज खंगालते टीम की आंखें सूज गई। CCTV कैमरों को स्कैन करने के दौरान टीम के हेड कांस्टेबल धीर सिंह, राजीव, कांस्टेबल रोबिन व कुलदीप भाटी ने 4 सितंबर की सुबह 3:31 से 3:35 के बीच एक सस्पेक्ट टाटा एस गाड़ी को क्राइम सीन के पास घूमते हुए देखा। सस्पेक्ट टाटा एस गाड़ी का रूट चेक किया तो पता चला कि क्राइम सीन के पास कुछ समय रुकने के बाद गाड़ी ने तेहखंड की लाल बत्ती से यू टर्न लिया, फिर आनंदमय मार्ग पर ESI अस्पताल के सामने से होते हुए पुल प्रहलादपुर मेहरौली बदरपुर रोड पर आकर मेट्रो साइटों से होकर बदरपुर बॉर्डर की तरफ गई थी। पुल प्रहलादपुर रेड लाइट पर लगे CCTV कैमरों में सस्पेक्ट टाटा एस गाड़ी का नंबर DLA KLH 2298 कैप्चर हो गया था। गाड़ी नंबर से गाड़ी मालिक की पहचान सोनू शर्मा पुत्र राम शरण निवासी C10 विश्वकर्मा कॉलोनी पुल प्रहलादपुर नई दिल्ली के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान गाड़ी मालिक सोनू शर्मा ने बताया कि उसका ड्राइवर सुशील शर्मा दिल्ली NCR में पार्सल व सामान की डिलीवरी के लिए इस गाड़ी को चलाता है। आए थे गाँव के, बोले भैया मेरे को मोबाइल चार्ज करना है, बैटरी डाउन कर रहे थे, पंखा वंखा चलाते हो, तो इन्होंने बोला नहीं भैया तुम काम करने चलाएंगे, मोबाइल चार्ज करेंगे बस। पूछताछ में सोनू शर्मा ने आगे बताया कि उसका ड्राइवर सुशील शर्मा अपने गांव गया हुआ था और दिनांक 2 सितंबर को ही अपने पैतृक गांव जिला बांदा UP से अपने एक अन्य दोस्त के साथ लौटा है। दिनांक 3 सितंबर की शाम करीब 7 से 8 बजे उसका ड्राइवर सुशील शर्मा उसके पास आया था और रात में गाड़ी में आराम करने के लिए गाड़ी की चाबी मांग कर ले गया था, किंतु 6 सितंबर को उसका ड्राइवर सुशील शर्मा अपने दोस्त के साथ फिर से अचानक अपने पैतृक गांव जिला बांदा UP लौट गया है। क्राइम समय के दौरान क्राइम सीन पर सस्पेक्ट गाड़ी का रुकना व ड्राइवर का अचानक अपने पैतृक गांव भाग जाना, इससे जगदीश यादव SHO थाना गोविंदपुरी को समझते देर नहीं लगी कि ड्राइवर और उसका दोस्त इस वारदात से जुड़ा हुआ है। गाड़ी मालिक सोनू शर्मा से जांच टीम को संदिग्ध सुशील शर्मा की ID और मोबाइल नंबर मिल गया। टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर संदिग्ध सुशील शर्मा के मोबाइल नंबर की लोकेशन जिला बांदा UP में ट्रेस हुई। लोकेशन ट्रेस होते ही जगदीश यादव SHO थाना गोविंदपुरी ने बिना समय गवाए एक टीम को संदिग्ध सुशील शर्मा के स्थान पर भेजा। दिनांक 11 सितंबर की सुबह टीम ने संदिग्ध सुशील शर्मा और उसके दोस्त नीरज को उनके पैतृक गांव बिलवई थाना जमालपुर जिला बांदा UP से पकड़ लिया। शुरू में सुशील शर्मा ने मृत लड़की की हत्या में अपनी इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर दिया, किंतु इन्वेस्टिगेशन टीम ने दोनों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की तो दोनों टूट गए और लड़की की हत्या करने की बात कबूल कर ली। सुशील शर्मा ने पूछताछ पर पुलिस को बताया कि उसका दोस्त नीरज उसके ही गांव का रहने वाला है और पेशे से ट्रक ड्राइवर है। नीरज की फतपुरवा गांव कोतवाली बांदा थाना बांदा UP निवासी एक लड़की से दोस्ती थी। लड़की उसके दोस्त नीरज के साथ भागना चाहती थी, लेकिन उसके दोस्त की माली हालात ठीक नहीं थे, इसलिए वो ऐसा करने को तैयार नहीं था। दिनांक 31 अगस्त को लड़की ने नीरज से संपर्क किया और उसके साथ भागने का दबाव बनाया। नीरज ने यह बात सुशील शर्मा को बताई तो सुशील शर्मा ने नीरज को आश्वासन दिया कि वह उनके लिए दिल्ली में किराए के मकान की व्यवस्था कर देगा। इसके बाद दिनांक 31 अगस्त और 1 सितंबर की मध्यरात्रि के दौरान नीरज और सुशील शर्मा ने लड़की को उसके गांव से उठाया और बस से कानपुर पहुंचे। 1 सितंबर को उन्होंने कानपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन ली और 2 सितंबर को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने लड़की को अंडरपास बदरपुर फ्लाईओवर पर छोड़ दिया और पुल प्रहलादपुर स्थित अपने कार्यस्थल पर पहुंचे, जहां से उन्होंने टाटा एस गाड़ी ली और 2 दिनों तक बदरपुर पुल प्रहलादपुर व सरिता विहार इलाके में किराए का मकान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। गाड़ी मालिक सोनू शर्मा की एक कंटेनर गाड़ी DLA KLPH 3218 रात के समय मेहरौली बदरपुर रोड शिव मंदिर के सामने खड़ी होती थी। मालिक को बताए बिना रात बिताने के लिए तीनों कंटेनर में सो जाते थे, साथ ही इनके पास पैसे भी खत्म होने लगे। ऐसे में रहने व खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। उन्होंने लड़की को घर लौटने के लिए मनाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लड़की को दिल्ली में रखना मुश्किल हो रहा था, मगर लड़की ने इज्जत की दुहाई देकर वापस जाने से मना कर दिया।
ऐसे में सुशील व नीरज ने लड़की की हत्या करने की साजिश रच ली। उन्होंने टाटा एस गाड़ी में ही लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी और 3 व 4 सितंबर की रात शव को जैव विविधता पार्क तुगलकाबाद गोविंदपुरी के जंगलों में फेंक दिया था। इसके बाद आरोपी दिनांक 6 सितंबर को दिल्ली से बांदा यूपी अपने गांव लौट आए। कितने दिन तक बैठा कर रखा था? 13 दिन में हम बिठाए जाते थे, बिठा के आते थे। अगले दिन फिर हम वहाँ नई दिल्ली छोड़ने गए थे 2 तारीख को। अच्छा, नई दिल्ली से वो हमसे खो गई थी, फिर 3 तारीख को हमारे घर सुबह आ गई थी। फिर हमको उसकी शाम को मिली थी, तो शाम को हमने उससे बोला था भाई घर चली जा, वो घर गई नहीं थी। फिर बोला कि तुम मुझे मार दो, मैं घर नहीं जाऊँगी, तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। इसलिए इन से वैसे में तो जान दे रहे काम। तो जहाँ पे वो जो बंदर को खाना खिलाते हैं उसके पीछे, हाँ वहीं कहीं मैं पीछे, मेरे को तो इसके बारे में मारा कहा था, गाड़ी में था कहाँ मारा? कह रहे वहीं हमने मार के वहीं खाई, वहीं मार के छोटी गाड़ी वहीं बैठा के मार दी थी। अच्छा, वहीं मार वहीं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मृतक लड़की के परिवार के सदस्यों से संपर्क किया, जिन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी के लिए थाना कोतवाली देहात जिला बांदा यूपी में अपहरण का मामला दर्ज कराया हुआ था। मृतक लड़की के परिवारजनों ने तस्वीरों से लड़की की पहचान की। गिरफ्तार दोनों आरोपी गरीब परिवार से हैं। इनके परिवार के सदस्य किसान हैं और दोनों आरोपी ट्रक ड्राइवर हैं। दोनों आरोपियों का पहला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आरोपी सुशील 10वीं और नीरज 8वीं तक पढ़ा है। दोनों आरोपियों के पास से ट्रक ड्राइवर के रूप में कमाए सैलरी के 20,000 और एक टाटा एस गाड़ी व कंटेनर बरामद हुआ है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज 7:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।